नहीं, ऐसे ऐसे मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ना ना ना, फिर Hey, what's up everyone and welcome back to another vlog. तो मुझे तुम्हें एक बात बतानी है आज, बट उससे पहले ये मैसेज जो सुबह सुबह शुभम ने मुझे भेजा और उसने मेरा मूड बहुत अच्छा कर दिया, सो क्या पता तुम्हारे लिए भी हेल्प करे, ठीक है? तो जो उसने शेयर करके कोट वो ये है, यू वुडंट प्लांट अ सीड एंड देन डिग इट अप एवरी फ्यू मिनट्स टू सी इफ इट हैड ग्रोन. So why do you keep questioning yourself, your hard work and your decisions? Have patience, stop overthinking and keep watering your seeds. Thumbs up, Shubham Chand, thumbs up. बहुत तगड़ा, मतलब इसको सुनने के बाद मुझे काफ़ी हल्ला करते हैं लोग यार सुबह सुबह गाड़ी क्या, मतलब बहुत अच्छा लगा. और जो बात मुझे तुम्हें बतानी थी वो ये कि तुमने लास्ट टाइम याद है आमा बोली थी तेरी कमर ठीक है तू हॉस्पिटल दिखाने गया था वाली बात करके, तो हुआ ये था कि मेरा पोजिशनल पेन आया था. पोजिशनल पेन बोले तो मतलब कि अगर मैं लंबे टाइम तक का एक दो घंटे चेयर पे बैठे रहूँगा तो मेरे राइट साइड पे लोअर बैक पे हल्का सा स्ट्रेस पड़ता है, जिससे दर्द तो नहीं बट डिसकम्फर्ट टाइप का जनरेट होता है. तो मैं काफ़ी डर तो नहीं गया था बट मैं ऐसा था कि लगातार होने में लगाता हूँ. तो मैंने कम से कम एक महीना या फिर दो महीना अपना लेग स्ट्रेन नहीं किया था ताकि मेरे कमर पे स्ट्रेस ना जाए, और मैंने अपनी डेडलिफ्ट भी छोड़ दी थी. तो आज मैं डेडलिफ्ट करूँगा और लेग्स भी ट्रेन करूँगा. सो देखते हैं आज डेडलिफ्ट मार के बैक को ऐसा फील होता है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने बाद डेडलिफ्ट करूँगा. आज हल्के वेट से करूँगा ना, नॉर्मल मारूंगा, इतना हैवी नहीं, हैवी थोड़ी जाऊंगा. तेरे कमर में दर्द हुई थी बैठ कर, वो तो चेयर में बैठ के हुई थी. फिर आज डेडलिफ्ट ट्राई करूंगा, हैवी नहीं मारूंगा, बस हल्का सा कि ट्राई करता हूँ कि कैसा होता है कमर. होने लगेगा तो छोड़ देना मत करना. ओके बॉस. और आज भी बहुत तेज बारिश हो रही है तो हम अपने लोअर को कर लेंगे और ऊपर, और अपने स्लीपर्स पहनेंगे और अपने शूज को बैग में कैरी करके जिम जाएंगे और जिम में चेंज करेंगे. जिम जाने से पहले एक और बात, तो आज हम डेडलिफ्ट करेंगे, और अगर तुम्हें लास्ट के लास्ट वाला वीडियो याद है मैंने कहा था 2 बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बैक, तो पहली तो थी पुलअप्स, तो सेकंड कौन सी है, सेकंड है डेडलिफ्ट. और डेडलिफ्ट को मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि सिंपली बात करें तो डेडलिफ्ट नहीं, जो भी थिकनेस है बैक पे वो डेडलिफ्ट की वजह से ही है. तो चलो अब तुमसे हम जिम में ही मिलते हैं. डेडलिफ्ट में मैंने 2 वार्म अप सेट मारे 60 kg से, और सब चीज़ सही है. हल्का सा वेट बढ़ाता हूँ, ज़्यादा बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर रही है, थोड़ा वेट बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं. अगर कमर पे स्ट्रेस पड़ेगा तो मैं छोड़ दूँगा, अगर नहीं पड़ेगा तो. We'll be right back.
आज के वेट्स इतने प्यार से उठ रहे थे, मतलब बहुत प्यार से उठ रहे थे। मन कर रहा था कि अपना पीआर हिट कर दूँ और हैवी करते रहूँ और हैवी करते रहूँ, लेकिन नहीं, आराम से, कमर पे कोई स्ट्रेस नहीं आ रखा आज, बिल्कुल सब चीज़ नॉर्मल है। अब डेडलिफ्ट ख़त्म हो गया है, नॉर्मल बैक ट्रैप्स और रिडल ट्रेन करते हैं और सब चीज़ सही है। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब कि मेरी कमर पे हल्का सा भी स्ट्रेस नहीं पड़ा। अगली बार बढ़ेंगे वेट आराम आराम से। गो स्लो, लेट्स गो। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tatter my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains. Lats bhar gaye mere, bahut zyada shor ho chuke mere lats. But ek aur set marna hai abhi bar ka. Let's go, let's do it. Let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life to what you want. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think. I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. Pull-ups to me, pure ho gaye. But aaj main thoda zyada thakan feel kar raha hu, pata nahi kyun. Usually main normal hota hai pull-ups, but aaj मे भी क्या पता डेडलिफ्ट कर से, बट आज मैं काफ़ी ज़्यादा हाफ रहा हूँ और थोड़ा सा ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ। अब पुलअप्स हो गए, अब नॉर्मल सारी मशीन्स हैं, आराम से जाएंगी। लेट्स गो, लेट्स डू इट। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. तो ये मेरी फेवरेट स्पॉट है घर पे। वैसे तो यूजुअली अपनी चंडाक हुई ऑल टाइम फेवरेट, बट ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है। वर्कआउट के बाद ना मेरे बैक पे बहुत ज़्यादा सोरनेस थी। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, मतलब कि सोरनेस शाम तक का लगती है कि हाँ बैक बहुत सोर है, या फिर मॉर्निंग मॉर्निंग पे लगती है। बट आज मुझे तुरंत वर्कआउट ख़त्म होते ही मेरी बैक बहुत ज़्यादा सोर है, मेरे लैट्स पता नहीं क्यों। लेकिन
उस सोरनेस के बाद ये व्यू, ये वाइब्स, ओ भाई सारी सोरनेस निकल गई। मतलब इतना मज़ा आ रहा है ना। अभी सुबह तक का बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और तुमने नोटिस किया होगा जैसे ही बारिश चले जाती है ना उसके बाद पूरा विजन क्लियर हो जाता है और बिल्कुल ही जहाँ तहाँ से वाइब्स आ रही है। मतलब मज़ा आ गया। बट मैंने ना अपना बैटरी वाला इशू सही करना पड़ेगा क्योंकि इस पर साइड से एक घंटे तक का चल पाती है इसकी बैटरी और मेरे वर्कआउट यूजुअली 2 घंटे तो आराम से चले जाते हैं और अगर रिकॉर्ड करो तो और थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो लास्ट का भी रिजल्ट वाला मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया आज, बट कोई नहीं, व्हाट्सअप सब चीज़ सही है। और अब मैं यहाँ 15 मिनट तो आराम से बैठूँगा यार, एडिटिंग काम आराम से करेंगे, जितने काम हैं बाद में करेंगे, अभी बस वाइप्स के मजे लेंगे। तुमसे बाद में मिलते हैं। एंड दैट्स टुडेज़ व्लॉग। आई होप तुम्हें व्लॉग देख के मज़ा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर तुम्हें ये सब चीज़ें तुम एग्री करते हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब कराओ। और पीस, लव यू ऑल।